अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, ठीक है, और अच्छा शो कर रहे हैं और लोगों को भी अच्छा इंशाल्लाह शो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वालेकुम सलाम। ये भाई आए हैं मेरे पास, ठीक है, इनको मैंने किटन दी है, ट्रिपल कोटेड है, पंच फेस है, और भाई से पूछे भाई को कैसा लगा। ये रमजान भाई हैं, ये बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े पॉपुलर भाई हैं, और बाकी इनके पास इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आपको बड़े कम जगहों से ये मिल सकती है। एक फोन कॉल पे आपको जराफा हाथी तक की भी चीज़ें भी अवेलेबल हो सकती हैं, और मैंने इनसे बेहतर किसी को नहीं पाया। अभी मैंने इनसे प्यारा से किटन अपने बच्चों के लिए लिया है, जो बड़ी लड़ झगड़ के मुझे 70,000 का मिला है, क्योंकि इनके पास एक अच्छी वैरायटी और अच्छी नस्लें होती हैं, जो स्पेशल गिफ्ट होते हैं। ये भाइयों ने हमारे लिए थैंक यू, ये भाई को गिफ्ट ही दिया है, हमें गिफ्ट दिया, हम इनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि ये आने वाले में हमारे लिए बड़ा प्यारा बच्चा बनने जा रहा है। थैंक यू सो मच। ये भाई को गिफ्ट पपी दी है मैंने, ब्लैंक में आपको इजीली शो मिल गई है। हां जी, बहुत इजीली मिल गई, सारी यही कह रही है, यही शो है इनकी। भला क्या है, लोग यहां पे सारे मेरी शॉप का एड्रेस नहीं सही बताते, अक्सर क्लाइंट जो है यहां पे मेरी शॉप ही ढूंढता रहता है, और ये भाई भी जिसके पास गए हैं सबने यही बताया कि ये शॉप है, ये शॉप है, एंड पे आज उनको मेरी शॉप मिली है, तो ये भाई खड़े हैं, इनको मैंने अभी पपी दिया ब्लैक जनरेटर पर लॉन्ग है। कहां से आए हो? मुल्तान से, शॉप पे पपी का बच्चा ले आए। ये मुल्तान से आया मेरे पास। ओके, ये तो इसके जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये तो जमीन के साथ टच होएगी इसकी कोट, ये तो अभी कुछ भी नहीं है कोट। किसी को भी लेना है तो वो सर्च करे पहले इसके बारे में, तो फिर ले, क्वालिटी आपके सामने है। मुझे लग रहा है अभी थोड़ी कटिंग हुई है, ये कॉलर काफी बाल, ये उन्होंने ना कॉलर डाला था, कॉलर की वजह से नेक से बाल थोड़े कम है, बाकी ये सारा बाल इसके नए फ्रेश निकल रहे हैं। और भाई इसकी वैक्सीन वगैरह क्लियर है? भाई इसकी वैक्सीन क्लियर है, पर इस मार्केट में आपने ये नहीं कहना कि वैक्सीन पे नहीं जाना, वैक्सीन का बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है, वैक्सीन करवानी है आपको, और इसकी वैक्सीन क्लियर है, कोई वैक्सीन नहीं करनी, और इतना पेट नहीं होता वैक्सीन के बगैर पाकिस्तान में, और लाहौर में बड़ा ही नहीं हो पाता वैक्सीन के बगैर, और ये वैक्सीन हुई है तो ये 10 महीने का हुआ, वरना नहीं हो पाता। पहले 3 माह से पहले पहले पेट जो है ना वो स्पाइरल हो जाता है या मर जाता है वैक्सीन के बगैर, और इसकी वैक्सीन वगैरह सारी कंप्लीट है, बड़ा माशाल्लाह साइज है, माशाल्लाह बिग साइज का, ये हाइट नहीं इसकी बड़ी होगी, और ये देखें आप इसका साइज, और ये बिल्कुल ये साइज है इसका, क्वालिटी आपके सामने। ये टॉयलेट में आता है? हाँ, ये टॉयलेट में आता है, और ये शो क्वालिटी में आता है। तो इनकी कोई स्पेशल कोई वॉक वगैरह आती है भाई? बहुत गर्मी है नहीं, ये तो अंडोर रहने वाला पेट है, इसको वॉक करवाएंगे भाई लेन में तो ये गंदा हो जाता है, ठीक है, ये कारपेटेड डॉग है, ये सिर्फ कमरों में रहता है, अंडोर रहता है। और इसकी आप डिमांड क्या करेंगे भाई? इसकी डिमांड तो 55 कर रहा हूँ, 50 में इंशाल्लाह ये फाइनल दे दूंगा। और अगर हमें रमजान भाई आपसे पपी चाहिए, इसमें पपी मेरे पास अवेलेबल होते हैं, पपी भी आपको मिल जाएंगे, जो इनके शौकीन है ना लॉन्ग हेयर पेट के, लॉन्ग हेयर डॉग के, उनको तो मैं यही बोलूंगा दिन में एक दफा इनको ब्रशिंग होती है। ये आप देख रहे हैं सारे बाल इसके, आप देखेंगे सिंगल है, और कोई नोट्स नहीं है, कोई इनके बाल जुड़े नहीं है, इनकी बड़ी केयर है, इनकी केयर यही है कि आप इनको एक टाइम ब्रश करें, ब्रश करना बहुत जरूरी है ये पेट को। मैं तो अगर इसको चिकन बॉइल दूंगा, ठीक है, वो तो जो मुझे मैक्सी स्टार्टर डॉग फूड कह के गए हैं वो नहीं मैं अभी दे रहा, ये आज ही आया है मेरे पास, तो ये अभी डॉग फूड नहीं तो ये चिकन बॉइल खाएगा। ये 2 टाइम लेता है, एक टाइम चिकन दे दें, एक टाइम आप डॉग फूड भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा पंजाबी, मैंने जैसे ही मैं अभी एंटर हुआ आपकी शॉप के ऊपर, तो मैंने देखा बाहर लड़के जो है शावर वगैरह भी दे रहे थे डॉग्स वगैरह को, हाँ, तो अगर कोई क्लाइंट वगैरह हमारा कोई सब्सक्राइबर अपनी वॉश वगैरह करवाने आ सकता है कोई पेट? हाँ जी, अब आपको पता है कि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है, ठीक है, अब ट्रिमिंग वगैरह भी हम लोग करते हैं कैट्स की, शावरिंग के लिए भी लगते मैंने रखे हुए हैं, और इंशाल्लाह कैट की पूरा हमारे पास शॉप पे गर्मियों का सारा एक्सेसरीज भी होता है। उनके चार्जेस होते हैं भाई? हाँ जी, उनके अलग से चार्जेस होते हैं, कटिंग के अलग से होते हैं, लोग अक्सर जो है ना बिल्ली की डॉग की डॉक्टर जो है वो बेहोश कर देते हैं, ठीक है, बेहोश करके उनकी कटिंग करते हैं, या बेहोश में भी नहीं आते वो डेड हो जाते हैं। हाँ जी, मैंने रशिया से ट्रिमिंग की मशीनें मंगवाई हैं, बेहोश किए बगैर पेट को पता भी नहीं चलेगा उसकी हेयर कटिंग है।
ये तो मेरे तो ये पैदा हुआ है तब से ही है, इसको फीडर से मैंने पाला है, रोहित ने दूध पिलाया है, दो तीन दिन का था जब से मेरे पास है, तो अभी माशाल्लाह ये डेढ़ माह का हो गया है, तो आपने माँ का भी हमें समय लिया हुआ है इस तरीके से उसको पाला है। अगर ये घर में पेट रखना हो तो इसकी वैक्सीन वगैरह भी करवानी पड़ती है। आपने करवाई हुई है? हाँ जी, वैक्सीन मैंने की हुई है, सारा कुछ हुआ है। और इसे फीड क्या देते हैं उसको? फीड में तो मैं दे रहा हूँ बैगन बनाना दे रहा हूँ, खुश मेवा दे रहा हूँ, उसको बादाम वगैरह दे रहा हूँ, पिस्ता वगैरह दे रहा हूँ, रोटी वगैरह बड़े शौक से खा लेते हैं, लेकिन दूध पीता था वो छोड़ दिया। तो ये आपको डॉग और कैट्स वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचा? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वैसे वो उसके साथ खेलना चाह रहा है, दिखेगा। रमजान भाई, इनमें कोई ब्रीड का कोई नेम होता है मंकी में? हाँ जी, ये एशियन मंकी है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने मार्गो सेट का भी मंकी, तो जिसे कहते हैं पॉकेट मंकी, उसका भी पेड़ भरा हुआ है, उसकी अब आगे मेरे पास ब्रीड आने वाली है, किसी को उसके बेबी लेने होंगे, ठीक है, पॉकेट मंकी के मार्गो सेट के उसके बेबी भी मिल जाएंगे। रमजान भाई, इस फील्ड में आपको कितना टाइम हो गया? 14 साल हो गए हैं इस फील्ड में, ठीक है। और भाइयों को ये शॉप पे पिटी पेंट शॉप पे 25 साल हो गए हैं, हमने इसीलिए पिछली दफा सिल्वर जुबली की थी शॉप के बताए। हाँ जी, यही नाम है रमजान भाई? हाँ जी, हमारी शॉप का और हमारा ब्रांड यही है पिटी पेंट। आपकी और भी कोई ब्रांच वगैरह है लाहौर में? नहीं, हमारे फार्म वगैरह है। अगर कोई इस नाम से यानी कि कोई चला रहा हो तो मेरा दोस्तों का आईडिया तो होना। इस नाम पे कोई भी नहीं चला रहा, फार्म वगैरह है आपने। तो यार, कभी आपको डर वगैरह कोई नुकसान वगैरह पहुंचा हो भाई? इनको आपको कुछ आया हो? इनको अगर आप फ्रेंड की तरह रखेंगे, दोस्तों की तरह रखेंगे, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप इनको जबरदस्ती ज्यादती करेंगे तो फिर तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा इसी बात है। ये है की अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, ठीक है, और अच्छा शौक कर रहे हैं और लोगों को भी अच्छा इंशाल्लाह शौक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं।